अक्टूबर की रात फिलिस्तीन ने इसराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ी, जिससे इसराइल पर लगभग 1400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल ने कहा कि हम भी कम है और इसराइल ने भी फिलिस्तीन के गाजा ट्रिप पर हमला बोला, जिससे फिलिस्तीन पर लगभग 2600 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 35 एकड़ जमीन को लेकर है। असंभव। इसराइल के साथ ही दो जायगा है जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है, एक है गाजा ट्रिप और दूसरा है वेस्ट बैंक, जहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते हैं, वही इसराइल पर यहूदी संप्रदाय के लोग रहते हैं। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच एक जायगा है जिसका नाम है जेरूसलम, जो कि इसराइल के राजधानी है। जेरूसलम में 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर एक ऐसे स्थान है जिसका ताल्लुक 3 धर्मों से, यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। लेकिन यहूदी और मुस्लिम संप्रदाय के बीच ही ज्यादा से ज्यादा टक्कर होती है, क्योंकि इस स्थान के एक हिस्से को यहूदी संप्रदाय के लोग टेंपल माउंट कहते हैं, वही दूसरे हिस्से को मुस्लिम संप्रदाय के लोग हरम अल शरीफ कहते हैं, क्योंकि यही मुस्लिम के पवित्र स्थान अलक्सा मस्जिद है। अब फिलिस्तीन कहते हैं कि ये जगह हमारा है और इसराइल कहते हैं ये तेरी बस की बात नहीं है, बाप को भेज, ये जगह हमारा है। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच सालों से दुश्मनी चल रही है और लोगों की जाने जा रहे हैं। जिस धर्म स्थान को बचाने के लिए तुम लड़ रहे हो, उसके वजह से अगर लोगों की जाने जा रहे हैं, तब उसे धर्म स्थान नहीं बल्कि आतंक के स्थान कहलाती है। अभी मैं जरा इसराइल पर घूमने के लिए बाय।